Hi dear students, I am Rajkumar and today I will teach you class 6 NCERT math. So, ध्यान से देखना क्लास को और पूरा देखना. क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनना, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे. कह रहा कि यूज द फिगर टू नेम, यूज द फिगर टू नेम, इस फिगर का यूज करके नेम लिखिए. नेम क्या लिखना है? फर्स्ट है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई. लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी रेखाएं लिखिए जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है. ऐसी रेखाएं बताइए जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है. तो बिंदु ई पहले आप यहाँ पर अगर गौर से देखो तो है कहाँ, आपको नज़र आ रहा होगा ना, बिंदु ई कहाँ है, देखो कहाँ है. एक ऐसी रेखा का नाम लिखो जो बिंदु ई को सम्मिलित करता है. तो यहाँ पर आप देखो ई यहाँ पर है, यहाँ पर. तो ये लाइन तो यही वाली है, बड़की वाली ना. तो यानी कि इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए ई. क्या है? ए ई. ए ई एक ऐसी रेखा है जो ई को भी सम्मिलित कर रही है. और दूसरा इसी में एक और भी है, वो क्या है उसको भी ध्यान देखना. ध्यान से देखना मतलब एफ ई भी है. कौन? ये भाई ऊपर एफ है यार. क्या है? एफ है. एफ और ई, चूंकि ये भी तो इसको प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इस लाइन के बीच में इसमें भी तो ई आ रही है, तो यहां पर आप लिख सकते हो आर एफ ई. ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक ना. क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं. सेकेंड क्या कहता है उसको भी ध्यान से देखना. कह रहा है अ लाइन पासिंग थ्रू ए, मतलब एक ऐसी लाइन जो ए को हो करके क्रॉस कर रही है. ए मतलब ये है ना, इसे हिंदी में कुछ ऐसे देखेंगे, ए से होकर जाने वाली रेखा. तो कौन सी ऐसी रेखा है जो ए से होकर जा रही है, बहुत ध्यान से समझो. ए से होकर कौन जा रहा है यार, सिंपल सी बात है, ए के होके ए ई जा रही है. कौन जा रही? ए ई. ए ई, या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, वो क्या कह सकते हो, ए से हो करके देखो डी ई. भाई डी ई जो है ये भी तो आगे बढ़ रही, तो ए तक आ रही ना, तो आप इसे भी आंसर ले सकते हो. क्या हो जाएगा? ए ई और डी ई. देखो क्वेश्चन इसमें फ़ोन में है इसलिए मैं इसमें से आपको बता रहा हूँ, ठीक है. तो आपको समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल बताना, टेंशन मत लेना. ये हो गया अगला क्वेश्चन. इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ लाइन ऑफ विच ओ लाइज. साथियों इसका मतलब समझना, लाइज मतलब होता है स्थित होना. वैसे तो लाई का मतलब झूठ होता है, लेकिन यहां पर झूठ नहीं होगा. मतलब एक ऐसी लाइन जिस पर ओ स्थित है. तो ओ कहाँ है? ओ तो यहां स्थित है. तो कौन सी लाइन पर ओ स्थित है, मतलब वो ऐसी रेखा जिस पर ओ स्थित है, तो जल्दी से बता दो फिर फटाफट, किस पे है ओ. देखो ये है सी और ये है ओ, यानी पूरा पूरा रेखा कौन सी है, एक रेखा है सी ओ. ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, सी ओ मतलब लाइन का नाम है, सी ओ आर ओ सी, समझ गए ना. तो ये तीसरा पार्ट था, वो रेखा जिस पर कह रहा था कि बिंदु ओ स्थित है. अ लाइन लाइज ओ, है ना, ऐसे तो कुछ है इंग्लिश में, तो इसे आप कर लो अ लाइन ऑफ विच ओ लाइज. इसमें का फोर्थ नंबर पार्ट है, वो क्या कहता है, कह रहा है कि टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइज, सॉरी लाइंस आर, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कहने का ये है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म बताइए. प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म कौन से हैं? प्रतिच्छेद करना मतलब इंटरसेक्ट करना, ठीक है. तो वो आप यहाँ पर देख पा सकते हो कौन कौन से हैं. पहला नंबर है ए डी, ए और डी, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का दो युग्म है. कैसे? देखो ए डी जो है ये बीच से कट रहा है ना भाई, बीच से कट रहा है ना. कौन काट रहा है इसको, सी ओ काट रहा है या ओ सी काट रहा है, लेकिन मुख्य लाइन कौन है, ए डी है. ए डी है ना, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, ये ए डी. कौन सा हो जाएगा? ए डी. और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो युग्म है वो कौन कौन है, ए डी और सी ओ. ए डी और कौन कौन से है, सी ओ. इसे आप ऐसे कर सकते हो, ये एक युग्म हो गया भाई. देखो जैसे मैंने ऐसे खींचा तो ये क्या कर रही रेखाएं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो एक ए डी हो गया, एक सी ओ हो गया. उसी तरह से इसमें और एक है, वो कौन सा है, देखो ये डी वाला ना, लेकिन किसके किसके साथ मिल रहा है, ये ए ई और एफ ई. देखो ए ई, अब ये मत समझना कि ये डी से मिल रहा है, नहीं डी से नहीं, ए ई, चूंकि ई पे प्रतिच्छेद हो रहा है ना, तो इसे आप कह सकते हो ए ई
और क्या होगा, एक और रेखा है जो इसको प्रतिच्छेद में सहायता कर रही, वो कौन है, ये EF, कौन सी है, EF। तो इस तरह से साथियों आपका ये जो क्वेश्चन नंबर है वो कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला भी है ना। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ वाले पे, उसको भी देख लो और क्लास को पूरा देखना यार, स्किप मत करना, बहुत छोटी क्लास बनाने से मजा नहीं आता ना। तो ऊपर देखो नंबर दिया गया है, इस पे संपर्क करना, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे हमें पूछ सकते हो, मतलब क्लास के बारे में। PBR स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो अगला देख लेते हैं। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे, चूंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने देखा ये कि आप लोग वीडियो को वॉच टाइम नहीं बढ़ाते हो, मतलब 25 मिनट की वीडियो रहती है तो 5 मिनट पहला क्वेश्चन देख के छोड़ देते हो। इससे अच्छा ये होगा कि हम पहला ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में ना क्यों ना बताएं, जिससे आप पूरा देख लो कम से कम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपसे निवेदन होगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, ठीक है, शेयर करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, उम्मीद से ज़्यादा।